कि हमने अपने बच्चों को इज्जत नहीं दी, हमने अपने बच्चों को बात बात पर शैतान बोला, हमने उनको फटकारा, हमने उनको बदमाश बोला, हमने उनको थप्पड़ लगाया, तो हमने क्लासरूम्स में बच्चों को इज्जत नहीं दी, हमने घर में बच्चों को इज्जत नहीं दी, हमने सोसाइटी में बच्चे को इज्जत नहीं दी, हमने जिंदगी भर बच्चे को इज्जत नहीं दी, और हम चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाए तो दुनिया उसे इज्जत दे। तो जब हमने अपने बच्चों को इज्जत नहीं दी तो दुनिया हमारे बच्चों को इज्जत कैसे दे सकती है? हमें अल्लाह के रसूल से सीखना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना है कि उन्होंने बच्चों से कैसी मोहब्बत की। जिस बच्चे को जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ इज्जत मिली है, वो बच्चा जब दुनिया की दहलीज पे कदम रखता है, थोड़ी सी भी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब थोड़ी सी भी बेइज्जती उसकी होती है ना, तो खुद से पूछता है कि अल्लाह मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे वालिद ने तो मुझे इज्जत दिया, मेरे टीचर्स ने मुझे इज्जत दिया, मेरे बड़ों ने मुझे इज्जत दिया, और जिस बच्चे को कभी इज्जत ही नहीं मिली और उससे हम उम्मीद रखते हैं कि वो इज्जत पाने वाले काम करेगा, नहीं कर सकता वो, क्योंकि हमने इज्जत दी ही नहीं। तो आइए हम यह अहद करते हैं और वादा